नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में हुई मिलावट, यह कोई मामूली घटना नहीं है बल्कि देश और सनातन धर्म के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र है। सभी सरकारों को इस मामले में सतर्क हो जाना चाहिए। यह बात मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। वह ओंकारेश्वर में ओंकार नाथ के दर्शन हेतु पहुंचे थे। इस दौरान उनके समक्ष यह बात भी आई कि ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में ओंकार प्रसादालय में प्रतिदिन कुंडलों से लड्डू बनाने का कार्य चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न लग रहे हैं। विशेषकर तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जिस प्रकार हरकत हुई है, उससे सभी सनातन धर्म में आहत है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को इस पर सोचना चाहिए कि कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश, तो कुछ न कुछ सावधानी की आवश्यकता है और हर सरकार को एक करना चाहिए। लगभग एक से लेकर तीन क्विंटल तक खपत होती है। भीड़ भाड़ के अनुसार प्रतिदिन होता है। कितना स्टाफ यहाँ काम करता है? 25-27।